Hello everyone, myself Naresh Salat as a trainer from Kinder Sports. I am working in Mayur High School, Himmatnagar at Sabarkantha. Today my topic is defensive movement. तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफेंस कैसे करते हैं. ओके, तो फर्स्ट हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और लास्ट में हम लोग बॉल के साथ ऑफेंस डिफेंस करेंगे. ओके गाइज, तो फर्स्ट बेसिक लेवल, तो डिफेंसिव मूवमेंट के लिए फर्स्ट हमको साइड्स ऑफ फ्लिंग करनी पड़ती है. ओके गाइज, क्योंकि साइड्स डिफेंसिव मूवमेंट के लिए लोअर बॉडी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अगर आपकी लोअर बॉडी बहुत वीक है तो आप डिफेंसिव मूवमेंट नहीं कर सकते. ओके गाइज, एंड बास्केटबॉल गेम में डिफेंस बहुत जरूरी है. जैसे कि आपका डिफेंस जितना भी स्ट्रांग होगा उतना सामने वाली टीम का स्कोर कम होगा. ओके गाइज, तो फर्स्ट ऑल हम लोग साइड सफलिंग करेंगे. तो साइड सफलिंग के लिए जैसे कि मैंने दो कोन रखे हैं, तो फर्स्ट मेरे दोनों लेग शोल्डर के अकॉर्डिंग होंगे स्पेस. ओके, शोल्डर के अकॉर्डिंग मेरे दोनों लेग स्पेस रहेंगे. और जैसे कि साइड सफलिंग में दोनों हैंड साइड टू साइड टच कर, जैसे कि मैं राइट साइड जा रहा हूँ तो राइट साइड मेरा हैंड वहाँ पे कोन के साथ टच होगा और मेरा राइट लेग थोड़ा साइड टू साइड ही रहेगा. जैसे ही मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ तो मेरा लेग थोड़ा सा लेफ्ट वाला स्ट्रेट रहेगा. ओके गाइज, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्लो करूँगा मैं, फर्स्ट स्लो जा रहा हूँ. टच ये लेग देख सकते हो आप, मेरा लेफ्ट लेग थोड़ा साइडली है, नी बेंड. टच राइट लेग देख सकते हो, नी बेंड. टच आगे गाइस, तो अभी हम लोगों ने साइड सफलिंग किया. जैसे कि साइड सफलिंग आप लोग गलत कर रहे हो तो बैक प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें ध्यान रखना है. स्पोर्ट्स कैसे नी बेंड, बैक स्ट्रेट, चिन अप. ओके गाइस, अब हम लोग सेकंड स्टेप पे जाएंगे. गाइस अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे. नेक्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने कॉल रखे हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोग फर्स्ट स्लो सफलिंग करूंगा, स्लो में साइड सफलिंग, एंड सेकेंड में थोड़ा स्पीड में करके आपको बताऊंगा. स्लो इसलिए करूंगा कि आपको प्रॉपर स्टेप, प्रॉपर पोजीशन आपको पता चले. ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑल मेरे नी बेंड. ओके, जैसे कि गाइस मैं जा रहा हूँ राइट साइड जा रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड अप रहेगा और राइट हैंड मेरा साइड में रहेगा. ओके गाइस, जैसे मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ तो मेरे दोनों हैंड भी चेंज हो जाएंगे. जैसे कि मेरा लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट लेग वाला साइड में जाएगा, राइट हैंड अप रहेगा. ये आपको पूरा बॉल के साथ पता चलेगा, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बॉल के साथ करेंगे तब. ओके गाइस, तो फर्स्ट हम लोग स्लो करेंगे. तो गाइस अब हम लोग स्पीड में करें. तो गाइस अभी हम लोगों ने पहले स्लो वॉक में किया, बाद में जॉग के साथ, अब हम लोग बॉल के साथ करेंगे. करूँ ना, जैसे कि गाइस ऑफेंसिव प्लेयर लेफ्ट हैंड ड्रिबल कर रहा है तो मेरा लेफ्ट हैंड रहेगा आगे और मेरा राइट हैंड रहेगा साइड टू साइड. ओके गाइस, जैसे कि लेफ्ट हैंड वो फ्रंट पे ड्रिबल कर रहा है तो मेरा लेफ्ट हैंड से मैं बॉल चेक कर सकूं. ओके गाइस, तो हम लोग बॉल के साथ स्लो डिफेंसिव मूवमेंट करेंगे. तो गाइज अगेन हम लोग थोड़ा स्पीड में करेंगे और मैं डिफेंस कर रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा बॉल चेक करने के लिए. ओके गाइज,
एक्शन। तो गाइज अभी हम लोगों ने बॉल के साथ ऑफेंस एंड डिफेंस किया। जैसे कि डिफेंस में मैंने आपको बताया था, जैसे सामने वाला प्लेयर थोड़ा सा लूज कर रहा है तो हम लोग उसकी बॉल छीन लेते हैं। ओके गाइज, तो मैं ऐसा करता हूँ आज आपको डिफेंस मूवमेंट एंड डिफेंस प्रॉपरली आपको पता चल गई होगी। और गाइज ये डिफेंस मूवमेंट आप घर पे भी रह के कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू।